हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज जो मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो स्पेशली मॉम के लिए है कि अगर हमें फीवर आ जाता है इन कंडीशन, तो क्या हम अपनी बेबी को प्रॉपर फीडिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि हम कम से कम 3 ईयर्स तक अपनी बेबी को फीडिंग कराती हैं, ठीक है। अगर आपका बेबी 3rd ईयर रनिंग में है तो उस कंडीशन में तो हम अपनी बेबी को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। उसको अगर हम अपनी फीडिंग ना भी कराएं, ऊपर का ही कुछ खिला देंगे या ऊपर का ही दूध पिला देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में जब आप कम्प्लीटली अपनी बेबी को फीड कराते हैं और आपका बेबी सिर्फ आप पर ही डिपेंड है, मीन्स आपका बेबी अगर 6 मंथ तक का है, 3rd मंथ का है, 5th मंथ का है, 1 ईयर का है, तो वो तो कम्प्लीटली आप पर ही डिपेंड करता है। मीन्स वो आप पर ही डिपेंड है फीड करने के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। तो ऐसा देखिए, हर मॉम के साथ होता है कि कभी ना कभी मॉम बीमार पड़ती हैं, उनको भी फीवर आता है या वायरल फीवर आता है या नॉर्मल फीवर या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोल्ड या कफ हुआ है, कोई भी सिचुएशन है। तो इन सारी कंडीशंस में हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी बेबी को फीड कराएंगे तो कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। क्या वायरल फीवर में या नॉर्मल फीवर में बेबी को फीड कराना सेफ़ है या नहीं है, तो इस पर मैंने मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन को मैं फेस कर चुकी हूँ। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इस सोच रही थी कि क्या मैं अपनी बेबी को फीड कराऊँ या नहीं कराऊँ। तो मैंने डॉक्टर से इसके बारे में बात की कि मेरा बच्चा है छोटा जो मेरी फीडिंग करता और कुछ वो नहीं खाता, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसको फीड कराऊं और वो भी बीमार पड़ जाए। तो डॉक्टर ने बहुत क्लियरली मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हमें अपने ऊपर ध्यान रखना होता है। अगर हम उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा बेबी हमारी फीड करने के बाद भी सेफ रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आपको फीवर है और आप अपने बेबी को फीड करा रहे हो तो डॉक्टर से पूछ कर ही सारी मेडिसिन्स लें, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर ओके कह देते हैं कि हाँ आप ये मेडिसिन ले सकती हो और इसकी ड्यूरेशन में आप बेबी को फीड करा सकती हो, तभी आप अपने बेबी को फीड कराएं, ठीक है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जनरली आपने क्या देखा होगा, घर में एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये टैबलेट्स होती हैं और हम बुखार में इनको खा लेते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण हम कभी कभी अपनी बेबी को फीड करा देती हैं उस कंडीशन में, तो जो मेडिसिन हमने ली है वो कहीं ना कहीं हमारे बेबी को इफ़ेक्ट करती हैं। उनको भी फीवर आ जाता है, उनको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या उनको भी उनकी भी तबीयत बिगड़ सकती है। तो मैं आपको स्पेशली इन टैबलेट्स के लिए मना करूँगी कि अगर एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये ना लें, क्योंकि ये हमारे थ्रू जो भी हम अपनी फीडिंग बेबी को देंगे, उस फीडिंग के थ्रू अब आपकी बेबी में जाएगी और कहीं ना कहीं वो उसको नुकसान पहुंचाएगी और उसकी तबीयत बिगाड़ देगी, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो पूछ कर लें, आपने ले लिए तो फीडिंग ना कराएं। और कोशिश करें आपको ये अगर आपका छोटा बेबी है तो आप ये टैबलेट्स बिल्कुल भी ना लें। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको फीवर भी आया हुआ है, आप अपने आप को कैसे ठीक करेंगे। देखिए, फीवर को आप आराम से घर पर भी ठीक कर सकती हैं, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा, आपने सारे रेमेडीज़ यूज़ कर ली, नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखा सकती हैं। लेकिन नॉर्मली घर में आप काढ़ा बनाकर उसको पिएंगी तो आपका बुखार कम हो जाएगा। सर पर पट्टी, गीली पट्टी रखकर भी बुखार कम हो जाएगा। काढ़ा आप बना सकते हैं, हल्दी है, तुलसी है, नमक है और आपका पानी, अदरक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक अच्छा सा काढ़ा बनाइए और उसको आप सिप कर करके पीते रहेंगे तो आपका 99% आपका फीवर चला जाएगा और आपके बेबी को भी ये काढ़ा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इससे भी आपका फीवर नहीं जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और वही टैबलेट खाएं जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करे, और उसमें भी आप पूछ लें कि आप अपनी बेबी को फीडिंग करा सकते हो या नहीं। अब सेकंड जो मैं इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ कि कुछ मदर क्या करती हैं कि बिना जाने, बिना पूछे अपनी फीडिंग कराना स्टॉप कर देती हैं कि नहीं, हम अपनी बेबी को फीड नहीं कराएंगे कि वो बीमार पड़ जाएगा।
अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप तो बीमार हैं ही हैं, लेकिन आप अपनी बेबी को फीडिंग नहीं करा रहे, तो वो भी वीक हो जाएगा, वो भी बीमार पड़ सकता है, प्लस आप अपने लिए डबल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। डबल प्रॉब्लम मीन्स कि आप बीमार तो हैं, सेकंड आपने फीडिंग कराना भी बंद कर दिया, उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी स्वेलिंग कर जाएगी, सूज जाएगी, और अगर आपने वो दूध नहीं निकाला अंदर से तो वो उसकी जो गांठें बन जाती हैं वो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती हैं। तो आप बिल्कुल भी ये गलती भूल कर भी ना करें कि आप अपनी फीडिंग कराना बेबी को रोक दें। आप क्या कर सकती हैं कि अगर आप अपनी बेबी को फीडिंग नहीं करा रही हैं तो अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके डंप कर सकती हैं। पंप मीन्स आप अपने दूध को पंप कर लीजिए, आप पंप आते हैं जिससे कि आप इजीली उसको निकाल सकते हो। अगर आपको वो देखना है, आपको परचेस करना है, कभी आने वाले टाइम में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, सर्च कर सकते हो ऑनलाइन जाकर। तो वो आप पंप से उसको सक कर सकते हो और उसे आप फेंक सकते हो अगर आप नहीं चाहती हो उस दूध को पिलाना, लेकिन आपको वो दूध ज़रूर अपने बॉडी से निकालना है, ठीक है। उसको आपको स्टोर करके नहीं रखना, क्योंकि अगर आपकी ब्रेस्ट पर स्वेलिंग आ गई तो वो आपका जो फीवर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लस आपको और ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, स्टमक इन्फेक्शन है या बॉडी में अंदरूनी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है जो कि आपके लिए तो ख़तरनाक है ही, और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में बेबी को फीडिंग आप नहीं कराएं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको फीडिंग नहीं करानी है। अगर आपका दूध आ रहा है और आप बच्चे को भी नहीं पिला पा रहे हैं, तो आप जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पंप और डंप कर सकती हैं दूध को, तो वो आप कर सकती हैं। आपको इन्फेक्शन में आपको दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और बेटर यही रहता है कि हम पूरा जो प्रोसेस अपने डॉक्टर के अंडर में करें, पूछें कि इस टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप अपनी बेबी को फीड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपको कोल्ड हुआ है, खांसी है, कफिंग है, आप सभी जानते हैं कि ये ईजिली स्प्रेड होते हैं, एक टचिंग से स्प्रेड होते हैं, तो इसमें भी आप अपने बेबी को बड़े आराम से फीड करा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। वो आप सभी जानते हैं कि आप जब भी आप बेबी को फीड करा रहे हो तो सबसे पहले आपके हैंड काफ़ी अच्छे से साफ होने चाहिए, ठीक है, आपके हैंड नीट एंड क्लीन होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आप उसको लोगे, ठीक। सेकेंड, आप जितना टाइम भी फीड करा रहे हो तो आप अपने फेस पर मास्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सांस के थ्रू काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे बेबी को हार्म कर सकते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आप अपने फेस पर मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैंड्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें, उस समय आप अपने बेबी को ईजिली फीड करा सकते हैं, लेकिन आपको बार बार बेबी को टच नहीं करना। जैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, किस करते हैं, टच करते हैं, तो आपको किस वगैरह भी अपने बेबी को नहीं करना, क्योंकि हमारी जो सांस जो हमारे बेबी से टकराएंगी उसमें से जो भी बैक्टीरिया होंगे वो बेबी को इफेक्ट करेंगे और उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें फॉलो करके आराम से अपनी बेबी को फीड करा सकते हैं, और कब फीड नहीं करना ये भी मैंने आपको बता दिया, और नहीं फीड करा सकते हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अगर फीवर है तो आप आराम से अपनी बेबी को फीड करा सकते हैं, लेकिन बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा और आप भी आराम से उसको फीड करा पाएंगे। तो माई डियर मॉम्स, अगर आपको मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके जो भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उस पर हो सका तो कमेंट में ही आंसर कर दूंगी। कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है कमेंट में आंसर करना, तो मैं आपके लिए स्पेशल उस पर वीडियो बना दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।